Hello students, welcome to Digimento Education. The topic that we are going to do today is your future tense. Future एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हम में से कोई भी श्योर नहीं होता. हम नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, लेकिन हम एक इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा मैं करूँगा, जाऊँगा, आऊँगा, खाऊँगा. सो वो सारी कंडीशंस, वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस के अंदर. सबसे पहले टेंस जो हम करेंगे इन केस ऑफ फ्यूचर टेंस, दैट विल बी योर सिंपल फ्यूचर, और यू कैन से फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस. अब फ्यूचर टेंस वो होता है जो आने वाला है, एक सेकंड के बाद भी जो होगा वो हमारा फ्यूचर होता है. तो जब हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं तो यूजुअली यहाँ हम बात करते हैं कि कोई काम आप नियर फ्यूचर में वेरी सून बहुत जल्दी ही करने वाले हैं, तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं. मेनली फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करते हैं वो है विल एंड शैल भी आप कह सकते हैं, बट ज़्यादातर हम फ्यूचर के केस में विल यूज़ करते हैं आज के समय में. मैं ये नहीं कहूँगी कि शैल गलत है, लेकिन हम पहले शैल को ज़्यादा यूज़ करते थे. और कई लोग कहते हैं, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ या थर्ड पर्सन में अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ यूजुअली हम शैल को ज़्यादा यूज़ करते हैं और विल को सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ. लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली. आज क्योंकि जैसे जैसे आपका वर्क चेंज होता है, आपका कंसेप्ट चेंज होते हैं, उसी तरह अगर आज की बात करूं मैं मॉडर्न वर्ल्ड की, सो उस समय अगर हम बात करें तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है कि हम शैल को फ्यूचर दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, बट वेरी लेस. मेनली जो मेन हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं फ्यूचर दिखाने के लिए, दैट इज़ योर विल. लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात इन दोनों की ही करेंगे. मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर हम कौन सा यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैल की. अब अगर मैं शैल को यूज़ कर रही हूँ विद सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, हम जानते हैं कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, वो हम ऑलरेडी अपने पहले के लेसन्स में कर चुके हैं. फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, आई, वी. सेकेंड पर्सन यानी कि आप, यू. थर्ड पर्सन जब हम किसी और की बात करते हैं, वो भी सिंगुलर लाइक ही, शी, इट, और प्लूरल यानी कि दे. तो अगर हम शैल को यूज़ करते हैं विद द सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, देन इट शोज सर्टेनिटी. किसी चीज़ की सर्टेनिटी दिखाता है ये, राइट? सर्टेनिटी, राइट? ही शैल कम टू मीट मी. तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ही शैल डू हिज वर्क, तो ये एक तरह की सर्टेनिटी दिखाता है कि वो ये काम करेगा. ही शैल डू his work or he shall do this work, आप कुछ भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर ये third person, second person, आपका third person जो है वो एक तरह की certainty दिखाता है. अगर मैं कहती हूँ you shall go to office, you shall go to office, तो यहाँ पर भी ये एक तरह की certainty दिखाने का काम कर रहा है. लेकिन अगर मैं shall को use करती हूँ with first person, राइट? अगर मैं फर्स्ट पर्सन के साथ इसको यूज़ करूँगी तो ये सर्टेनिटी नहीं दिखाएगा बल्कि अनसर्टेनिटी दिखाएगा. ये एक तरह की अनसर्टेनिटी दिखाता है. आई शैल गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना चाहिए, जाऊँ ना जाऊँ वो मेरी मर्जी है, राइट? सो यहाँ पर ये आपको सर्टेनिटी नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी दिखा रहा है. तो जब हम शैल की बात करते हैं, जैसा हमने देखा विद द सेकेंड एंड द थर्ड पर्सन, इट शोज अ सर्टेनिटी, वेयर एज इन केस ऑफ द फर्स्ट पर्सन इट डज नॉट शो अ सर्टेनिटी. तो यहाँ पर हम सर्टेनिटी नहीं देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं विल की. अब हम बात करते हैं विल की. अगर हम विल की बात करते हैं तो इन केस ऑफ अ फर्स्ट पर्सन,
ये हमें दिखाता है किसी तरह की सर्टेनिटी। जब आप सर्टेनली कोई काम करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो वो सर्टेनिटी हमें दिखाता है विल एज अ फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई और वी। इफ आई से आई विल गो टू ऑफिस टुडे, और अगर मैं कहती हूँ आई वोंट गो टू ऑफिस टुडे, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, तो ये एक तरह की सर्टेनिटी दिखा रहा है कि भैया जो मैं हूँ या हम हैं, हम ये काम नहीं करेंगे या हम ये काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं विल एज अ फर्स्ट पर्सन हमें एक सर्टेनिटी दिखाने का काम करता है, लेकिन जब हम इसे विद सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं, इट डज नॉट नो सर्टेनिटी और इट शोज अनसर्टेनिटी। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ये सर्टेनिटी नहीं दिखा रहा है। If I say he won't go to office today, right? यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है, वो नहीं जाएगा, शायद जाए शायद ना जाए। He won't go to office today. He'll not do this work. He will not like to wear this dress. तो ये कहीं ना कहीं किसी तरह की आपको uncertainty दिखाने का काम करता है। Now, कई लोग कहते हैं कि क्या हम दो फ्यूचर टेंस को एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक ही सेंटेंस में आप दो फ्यूचर टेंसेस को क्या यूज़ कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। जब भी हम दो फ्यूचर टेंसेस को यूज़ करते हैं, पहला तो ऐसा होता है कि उस केस में हमारी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, हम इमेजिन करते हैं, और जो चीज़ पहले होती है विद द फर्स्ट वन वी यूज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सही सुना आपने, हम पहली कंडीशन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं और दूसरी के साथ हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। कैसे? अगर मैं कहती हूँ इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी, होती है, राइट? सो ये फर्स्ट कंडीशन है, इफ इट रेन्स टुमारो I won't go to office. तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो दो काम है, एक बारिश का होना और दूसरा ऑफिस जाना। तो पहले क्या होगा? बारिश अगर हुई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, राइट? सो उस केस में यहां पर हम फर्स्ट कंडीशन के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे और सेकंड कंडीशन के साथ हम यूज़ करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए इसका कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि यू विल मिस द ट्रेन इफ यू डोंट रन फास्ट, अगर आप जल्दी नहीं दौड़ेंगे, या इफ यू डोंट वॉक फास्ट और वॉक क्विकली, अगर आप नहीं जल्दी दौड़ेंगे या जल्दी चलेंगे तो आप ट्रेन मिस कर देंगे। तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन होगी तो ये कंडीशन होगी, राइट? सो यू विल मिस द ट्रेन इफ यू डोंट वॉक फास्ट और रन फास्ट, अगर आप जल्दी दौड़ेंगे नहीं या चलेंगे नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप अपनी ट्रेन मिस कर देंगे। सो इस कंडीशन में ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन विल टेक योर सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द सेकंड कंडीशन विल टेक योर सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कभी भी किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए, किसी को किसी तरह का विश करने के लिए या ब्लेसिंग्स देने के लिए कभी भी फ्यूचर टेंस को यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैं कहूँ कि विल यू लिव लॉन्ग, राइट? सो यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ विल यू लिव लॉन्ग, तो इसका मतलब है कि क्या तुम लंबे समय तक जियोगे। तो ये एक ब्लेसिंग देखने के लिए नो फ्यूचर टेंस फॉर विश और एनी काइंड ऑफ
ब्लेसिंग्स विश करने के लिए या किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए हम कभी भी फ्यूचर टेंस को यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर हम विल नहीं यूज़ करेंगे बल्कि मे यूज़ करेंगे। मे यू लिव लॉन्ग, राइट? सो भगवान करे आप लंबे समय तक जिए। मे यू लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग, राइट? यू मे गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप कहते हैं यू विल गेट एवरीथिंग, मतलब तुमको मिलेगा, तुम्हें मिले। जब हम दुआ करते हैं किसी के लिए, किसी के लिए विश करते हैं, तो हम हमेशा मोडल्स में मे या माइट को यूज़ करते हैं, ना कि फ्यूचर विल या शैल को। सो लेट्स लुक इन टू द फॉर्मूला एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ योर सिंपल फ्यूचर टेंस नाउ। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, देन वी हैव इज विल, then the verb in the first form, and then we have the object, right? जैसा हमने देखा कि main helping verb जो होता है हमारा future का, वो हमारा will होता है, या हम will को use करते हैं these days. In case of negative, it will be subject, then will not, जिसे हम won't भी बोलते हैं, verb in the first form and your object, right? Then we have the last one here is your interrogative sentence. The structure is will, क्योंकि हम जानते हैं हम हमेशा helping verb को subject से पहले ले जाते हैं. So it's will, subject, then verb, and then your object, right? चलिए अब हम इनके कुछ examples practice करते हैं. So let's do some sentence. If I say I will like to meet Salman Khan, main Salman Khan se milna chahungi ya milna chahti hoon. I will not, or I can say I won't like to meet Salman Khan. इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्या होगा? विल आई लाइक टू मीट सलमान खान. क्या मैं सलमान खान से मिलना चाहूँगी? हाँ, मिल सकती हूँ, क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन ने मोस्ट हैंडसम मैन की कैटेगरी में सलमान खान को 5th नंबर पे रखा है. एंड द फर्स्ट वन इज़ योर ऋतिक रोशन. He has defeated Brad Pitt and, you know, Peterson and many other Hollywood actress. अब अगर मैं इस sentence में subject change करती हूँ, मैं I की जगह कोई और subject ले लेती हूँ, she. So it will be she will like to meet Salman Khan. Interrogative क्या होगा? She won't like to meet Salman Khan. And the question will be, will she like to meet सलमान खान? जैसा हमने देखा फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा विल, उसे हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट सेम रहता है. सो नाउ लेट्स लुक इनटू सम मोर एग्जांपल्स एंड देन वी विल डू सम एक्सरसाइज विद योर सिंपल फ्यूचर टेंस, ताकि आपको ये टेंस और अच्छी तरह से क्लियर हो सके. So students, now let's look into some examples of your simple future or future simple tense. The first example, if you can see here, is John will not drive my car. I bought a new car. I bought a new Ferrari or I bought a new car, but I don't want John. मैं नहीं चाहती कि John जो है वो मेरी गाड़ी चलाए, क्योंकि मैंने नई गाड़ी ली है और हो सकता है John उसे कहीं ठोक दे, कहीं उस मेरी गाड़ी को नुकसान हो जाए. सो जॉन विल नॉट ड्राइव माई न्यू कार. अब अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, बिकॉज इट इज़ अ नॉट, सो दैट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. अब इसी सेंटेंस को आप एक नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे जॉन विल ड्राइव माई कार. या अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, सवाल की क्या जॉन गाड़ी मेरी गाड़ी चलाएगा, सो ऑब्वियसली उसके लिए जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, वो यहाँ पहले चला जाएगा, राइट? सो इट विल बी विल जॉन ड्राइव माई न्यू कार क्वेश्चन मार्क.
क्या जॉन मेरी नई गाड़ी चलाएगा. द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज शी विल बाय अ लैपटॉप दिस मंथ. उसके पास एक डेस्कटॉप है बट लैपटॉप नहीं है. सो दिस मंथ शी विल बाय, शी इज़ गोइंग टू बाय अ लैपटॉप दिस मंथ. शी विल बाय अ लैपटॉप दिस मंथ. ये सेंटेंस हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है. अगर इसको हमको नेगेटिव करना है तो इट विल बी शी विल नॉट बाय. और हमने देखा था कि जब हम विल नॉट बोल इकट्ठा लिखते हैं वी से वोंट. सो वी कैन से शी वोंट बाय अ लैपटॉप दिस मंथ. एंड द क्वेश्चन विल बी विल शी बाय अ लैपटॉप दिस मंथ, राइट. सो दीज आर टू सेंटेंसेज दैट वी मेड इन ऑल द थ्री फॉर्म्स. लेट्स लुक into some more examples. They will not learn if they don't listen. Agar wo sunenge nahi to wo nahi seekhenge, right. Hum aksar kehte hain ki agar aapko koi language seekhni hai to sirf bolne se nahi seekhte hain aap, uske liye aapko sunna bhi padta hai. Jaisa ki humne sentences ke time mein dekha tha कि एक कंडीशन ये होती है कि अगर हमें एक सेंटेंस है और उसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं कर सकते. ये उसका एक एग्जांपल है. दे विल नॉट लर्न, वो नहीं सीखेंगे इफ़ कंडीशनल सेंटेंस, राइट. इफ़ दे डोंट लिसन, अगर वो नहीं सुनेंगे तो वो नहीं सीखेंगे. सो यहाँ पर दिस इज़ योर सिंपल फ्यूचर टेंस. इसे आप पॉजिटिव में भी कर सकते हो. दे विल लर्न इफ़ दे डोंट लिसन, उनका पहले आता है, राइट. और अगर इसे हम क्वेश्चन करेंगे सो इट विल बी विल दे लर्न इफ़ दे डोंट लिसन, अगर वो नहीं सुनेंगे तो क्या वो सीखेंगे. नहीं, वो नहीं सीखेंगे. दे विल नॉट लर्न इफ़ दे डोंट लिसन. द नेक्स्ट सेंटेंस और द नेक्स्ट एग्जाम्पल हेयर इज विल दे प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर. क्या वो अगले साल अमेरिका जाने का प्लान करेंगे. विल दे प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, राइट. सो यहाँ पर ये एक हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले है. तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इसे अगर हम एक पॉजिटिव सेंटेंस में डालते हैं तो वो होगा दे विल प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल अमेरिका जाने के लिए प्लान करेंगे. और नेगेटिव क्या होगा, दे विल नॉट यानी दे वोंट प्लान टू गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर अमेरिका जाने का प्लान नहीं करेंगे. बट मे बी वो फ्रांस जाएँ या जर्मनी जाएँ, बेल्जियम जाएं, दे कैन बी एनी अदर कंट्री, लेकिन अमेरिका वो नहीं जाएंगे, राइट. सो हियर इज अनदर वन एग्जाम्पल. ही विल गिव मी अ बुक ऑन माय बर्थडे, वो मुझे मेरे बर्थडे पे एक बुक देगा. ही विल गिव, राइट. सो ये एक हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो हमें एक बुक देगा. ही विल गिव मी अ बुक ऑन माय बर्थडे. इसका अगर नेगेटिव होगा, अगर मैं कहूँ कि वो मुझे बुक नहीं देगा लेकिन पेन देगा, सो ही विल नॉट गिव मी अ बुक ऑन माय बर्थडे बट अ पेन, राइट. सो इसका इंटरोगेटिव अगर हमें करना हो तो ये होगा विल ही गिव मी अ बुक ऑन माय बर्थडे, क्या वो मेरे जन्मदिन पर मुझे एक किताब देगा. द नेक्स्ट सेंटेंस इज सुनील will not take exam this time. सुनील बेचारा बहुत परेशान है, पढ़ाई नहीं किया है तो इस बार वो एग्ज़ाम नहीं देगा. He will not take an exam this time, right? शायद अगली बार दे. So अगर इसका now it is will not, that means सुनील won't take an exam this time. इसको अगर हमें एक normal positive sentence में बनाना है तो क्या होगा, सुनील will take exam this time, सुनील इस बार एग्जाम देगा लेगा. और इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, विल सुनील टेक एग्जाम दिस टाइम,
क्या सुनील इस बार एग्ज़ाम देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने टेक क्यों लगाया है, अब इसकी जगह मैं चाहती तो मैं गिव भी लगा सकती थी, बट एक्चुअली इंडिया में हम लोग बोलते हैं दैट आई विल गिव माई एग्ज़ाम, आई हैव टू गिव माई एग्ज़ाम, बट एक्चुअली एग्ज़ाम आप देते नहीं हैं, एग्ज़ाम आप लेते हैं। एग्ज़ाम आपको दिया जाता है, एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चनेयर आपको दिया जाता है, वो आप भरते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, फिल करते हैं और उसे फिर वापस करते हैं। सो बेसिकली आप एग्ज़ाम देते नहीं बल्कि एग्ज़ाम लेते हैं। सो दैट्स व्हाई वी से वी टेक एन एग्ज़ाम, राइट? सुनील विल नॉट टेक एन एग्ज़ाम रादर देन गिव। सो इस चीज़ का आपको एक ध्यान रखना है कि आप अक्सर कहते हैं आई हैव टू गिव माई एग्ज़ाम, और इफ़ आई से दैट माई डॉटर विल गिव हर एग्ज़ाम, सो उस केस में हम गिव नहीं यूज़ करेंगे, हम टेक यूज़ करेंगे। दैट माई डॉटर विल टेक एग्ज़ाम दिस टाइम, और इस सेंटेंस में देखें, सो सुनील वोंट टेक एग्ज़ाम दिस टाइम, ही स्टिल नीड सम टाइम टू प्रिपरेशन, उसे अभी भी कुछ वक्त लगेगा प्रिपेयर करने में, तो इस समय वो अपने एग्ज़ाम नहीं लेगा, राइट? चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो द एक्सरसाइज सेज दैट यू हैव टू पुट द वर्ब्स इन टू द करेक्ट फॉर्म। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दे रखे हैं, आपको उनको फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में डालना है। सो इफ़ यू सी हियर, जेम्स 18 ईयर ओल्ड आस्क्ड एन ugly fortune teller about his future. Here is what she told him. James अभी बस 18 साल का हुआ है, सो वो बहुत excited है अपने future के बारे में जानने के लिए, इसलिए उसने एक future teller, जिसे हम कहते हैं भविष्य बताने वाले को, पूछा। और तो उसने क्या कहा, let's see, देखते हैं उसने उसके बारे में क्या क्या बताया। You be very happy. सो यहाँ पर जो हमारा वर्ब इन्होंने ब्रैकेट में हमने दे रखा है वो है हमारा बी, बी मतलब होना। सो क्या होगा, यू विल बी, यस, क्योंकि हमारा सिंपल फ्यूचर है तो हमें यहाँ पे विल लगाना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू यूज़ द वर्ब इन इट्स सिंपल फॉर्म। सो यू विल बी वेरी हैप्पी। यू डैश अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे वर्ब है गेट, गेट मतलब मिलना, सो यू विल get lot of money, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। you buy a new beautiful house, so you will buy a beautiful house, तुम एक अच्छा सुंदर सा घर खरीदोगे। next is your friend envy you, envy का मतलब होता है किसी से जलना, किसी के पास अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसे जेलस करते हैं कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज़ envy। सो योर फ्रेंड्स विल envy यू, तुम्हारे दोस्त तुमसे, तुम्हारी हैप्पीनेस से, तुम्हारे सक्सेस से, तुम्हारे पैसे से वो envy करेंगे, राइट? नेक्स्ट इज़ यू मीट अ ब्यूटिफुल गर्ल, तुम एक, मीट मतलब मिलना, सो तुम एक सुंदर सी लड़की से मिलोगे, सो वॉट विल बी, यू विल मीट अ ब्यूटिफुल गर्ल। यू मैरी हर, तुम उससे शादी करोगे, मैरी मतलब शादी करना, सो यू विल मैरी हर, राइट? So the next is you and your wife travel around the world, तुम और तुम्हारी जो wife है वो बहुत ज़्यादा travel करेंगे सारी दुनिया में, so you will travel around the world, so it will be you will travel around the world. People serve you, लोग तुम्हें serve करेंगे, serve करना मतलब आपकी service करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, so it is people will serve you, right? Then we have is they not refuse to make you happy, wo refuse matlab mana karna, wo aapko mana nahi karenge, so kya hoga, they will not, ya agar hum kahe
दे वोंट रिफ्यूज़ टू मेक यू हैप्पी. वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे खुश करने के लिए. वो हर कोशिश करेंगे आपको खुश करने के लिए. किस तरह से आपको खुश किया जा सके वो उसका ट्राई करेंगे. बट ऑल दिस हैपन ओनली वेन यू आर 70 years old. सो ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आप 70 साल के हो जाएंगे, राइट. सो अभी जेन 18 का है. सो ये सारी चीज़ें होंगी जब वो 70 years का हो जाएगा. सो यू कैन से इट्स नियरली 52 years लेटर. सो बट ऑल दिस विल हैपन ओनली, राइट, ओनली व्हेन यू आर 70 years old. सो ये सब कुछ तब होगा जब आप 70 साल के हो जाएंगे. आई मीन इट्स सो, मुझे ये सिचुएशन और ये कंडीशन सोच के बहुत हंसी आ रही है. जस्ट इमेजिन आपको कोई कह रहा है कि आप अभी 20 साल के हो, आपके पास पैसा होगा, गाड़ियाँ होंगी, बंगला होगी, आपकी शादी होगी, आपको एक बहुत सुंदर लड़की मिलेगी, लेकिन जब आप 25 साल के हो जाएंगे. सो जस्ट इमेजिन कि क्या आप उस समय इस हालत में होंगे कि आप वो सारी चीज़ों को इन्जॉय कर सकें. सो दैट्स एक्चुअली रियली फनी. Okay, so let's look into the another one. It is a holiday plan of Lucy. Lucy, हमारी Lucy जो हैं वो कहीं holiday के लिए plan कर रही हैं. So क्या plan है, let's see. Lucy and her parents, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर भी हमको verbs दे रखे हैं. So Lucy and her parents will probably, शायद, go to ग्रीस नेक्स्ट समर. शायद वो और उसके पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर जो हैं वो ग्रीस जाएंगे. देन वी हैव इज मे बी दे, एंड द वर्ब इज टू स्टे. सो मे बी दे विल स्टे देयर फॉर 2 weeks. वो वहाँ शायद 2 हफ्ते रुकेंगे. मे बी, मे बी मीन्स देर इज अ पॉसिबिलिटी, शायद, राइट. आई गेस दे to do a lot of sightseeing here, and it certainly not to be cold, right? Okay, I guess they will do, karenge, they will do a lot of sightseeing there, and it certainly means a kind of a surety. Certainly it certainly will not be cold. और सर्टनली वहाँ पर कोल्ड नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा. नाउ हियर इफ आई से टेक देयर ग्रैंडमा विद देम क्वेश्चन मार्क, सो दैट मींस ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सो क्या होगा, विल दे, एंड द वर्ब वी हैव इज टेक. विल दे टेक देयर ग्रैंडमा विद देम, प्रॉब्ली नॉट. क्या वो अपनी ग्रैंड मदर को, ग्रैंड मा को अपने साथ लेके जाएंगे, शायद नहीं. शी डैश नॉट टू लाइक द हॉट वेदर एंड शी हेट्स प्लेन. उनको गर्मी पसंद नहीं है और उनको प्लेन्स में ट्रैवल करना पसंद नहीं है. और ग्रीस जाने के लिए सर्टनली आपको प्लेन से ट्रैवल करना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो बाई ट्रेन और कार. सो क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे नॉट है तो क्या होगा, शी विल नॉट लाइक द हॉट वेदर एंड शी हेट्स प्लेन. उनको वो गर्म वेदर पसंद नहीं आएगा और वो प्लेन्स को हेट करती हैं. शी कैन नॉट ट्रैवल बाय, यू नो, प्लेन्स. सो लूसी एंड हर पेरेंट्स डैश प्रोबेबली देयर, दे विल प्रोबेबली फ्लाई देयर, राइट. वो वहाँ पर उड़ेंगे. It's the quickest way. Udenge means wo udke jayenge, because when you go by plane, you actually fly in the air. It is the quickest way. Ye sabse quick way hai. Otherwise, dekhiye, humne dekha ki wo 2 weeks ke liye jayenge. Agar aap road se jayenge, to I think aapko Greece tak pahunchne mein hi hafta lag jayega. It's very far off, right? It is in Europe. So, the next sentence here says, they to buy tickets on the internet. So, or they to go to a travel agency. Again, it is a question mark. So,
वी नीड टू सी, क्योंकि ये क्वेश्चन है, सो क्या होगा, विल दे बाय टिकट्स ऑन द इंटरनेट, विल दे बाय टिकट्स ऑन द इंटरनेट और विल दे गो टू अ ट्रैवल एजेंसी. अब क्या वो इंटरनेट पे टिकट लेंगे या वो एक ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे टिकट्स अरेंज करने के लिए. बट मे बी दे विल नॉट टू ट्रैवल टू ग्रीस आफ्टर ऑल, लेकिन शायद वो ग्रीस ना जाएं. बट मे बी दे विल नॉट ट्रैवल टू ग्रीस आफ्टर ऑल. आखिरकार किसी कारण से, किसी कारणवश वो खुद ग्रीस ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं. सो लेट्स लुक इनटू द लूसीज हॉलीडे प्लान अगेन. एक बार फिर से हम देखते हैं, लूसी एंड हर पेरेंट्स विल प्रोबेबली गो टू ग्रीस नेक्स्ट समर्स. मे बी दे विल स्टे देयर फॉर 2 weeks. आई गेस दे विल डू अ लॉट ऑफ साइट सींग्स देयर. And it certainly will not be cold, right? Will they take their grandma with them? Probably not. She will not like the hot weather and she hates planes. Lucy and her parents will probably fly there. It's the quickest way. Will they buy tickets on the internet or will they go to a travel agency? But maybe they will not travel to Greece after all. Right? So, ye hai hamari Lucy ka plan ki wo kya karna chahti hain apne next holiday ke liye. So, is tarah se aap aur bhi sentences practice kar sakte hain, jaisa humne pehle bhi baat kiya hai. Aap koi bhi ek sentence lekar use aap तीनों क्वेश्चंस में, तीनों फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं. इससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी. सो नाउ आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग विद आवर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. थैंक यू.